ये पाकिस्तान में फिर फॉर इलेक्शन करवाएं, उस रास्ते से अगर आप आ सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि अवाम में आप मकबूल हैं, तो आए मैदान में मुकाबला करें। उस रास्ते से आप आए, हम आपको कबूल करेंगे, हम आपकी हुकूमत को कबूल करेंगे। लेकिन जिस रास्ते से आप आए, जिस रास्ते से, जिस साजिश से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, अवाम को कबूल नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं उनको, आप रेफरेंडम कराएं, अवाम से पूछे वो इलेक्शन फौरी चाहते हैं कि नहीं, रेफरेंडम करा ले। पता चलेगा इन्हें कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। पाकिस्तान ने, थैंक यू सर, इमरान खान साहब का ये पाकिस्तान मार्च, आजादी मार्च, ये पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया, ये पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया कि ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को कि जो इन्होंने कोशिश भी की, हरबे भी इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी लोग डट के खड़े रहे और खड़े हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, दो दिन बाकी रह गए हैं, दो दिन बाकी रह गए इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है ट्रेलर के बाद, और उसकी भरपूर तैयारी है। इंशाल्लाह दो दिन के बाद इमरान खान तारीख देंगे और आप देखेंगे चेयरमैन साहब। लेकिन तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। हमारा ये राइट है, पाकिस्तानी शहरियों का ये राइट है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और हम इस बार सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन लेकर हमारा जो कानूनी आईनी हक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो आजादी मार्च होगा, ये जो आजादी मार्च अब आने वाला है, थैंक यू सर, ये आजादी मार्च तमाम आपके साथियों ने बात करनी है सर, टाइम का आपने ख्याल रखना। मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ये आजादी मार्च आने वाला तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अलामा इकबाल ने जो बात की, और ये जो मसलत की गई हुकूमत एक साजिश के जरिए पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी कौम ने बेदारी इख्तियार की है, पाकिस्तानी कौम ने खुद ही इख्तियार की है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। थैंक यू सर। ये कौम, सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, इजाज चौधरी इस हाउस दो ही और बोलेंगे, इजाज चौधरी सेनेटर इस हाउस के मेंबर ने गिरफ्तार किया जाता, सेनेटर सैफुल्ला खान नियाजी और मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किए। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूं आज, मैं खान समेत इन्होंने तमाम हमारे बाकी जो मेंबर पार्लियामेंट्री हैं, बाकी हमारे अहदेदारान आम शहरी सबके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं, क्या ये जंगल का कानून है यहां पे? आप इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप जमहूरी हैं तो जमहूरी रवैया अख्तियार करें। थैंक यू सर। जो इन्होंने रवैया अख्तियार किए हुए हैं, थैंक यू सर। अव्वल तो नहीं, मैं वाइंड अप करूंगा, टाइम नहीं है मुझे सर, आप है। अपने साथियों का टाइम, ठीक है, आपके और एक बंदा बोलेगा फिर, इसलिए मेहरबानी करें। अभी मैं उधर ही जा रहा हूं सर, मैं उधर ही जा रहा हूं। लेकिन जब बौखलाहट हो और इस तरह से आए हो, अमन तंगी प्लीज फलकना साहिबा जी, जब बौखलाहट हो और जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से आए हो, तो ऐसी हुकूमत की, इंपोर्टेड हुकूमत की तो हर वक्त कांपे ही टांगेंगी ना, हर वक्त कांपे ही टांगेंगी। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मंजिल करीब है पाकिस्तान,
कि हाँ थैंक यू सर वो जो हकीकी आजादी है याद रखिएगा चेयरमैन साहब एक बात करूंगा पर खत्म कर रहा हूं जी प्लीज बताएं याद है सर आखिरी बात कर रहा हूं जिस तरह से 1947 में जिस तरह से लोग जिस तरह से शरीक हुए पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के साथ बचाने की तहरीक में लोग इमरान खान के साथ शामिल हैं और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह